नमस्कार, एपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका सिंह। आइए देखते हैं इस वक्त की मुख्य समाचार। देश में कोरोना के 2288 नए केस, 28.6% कम। 9 दिन में पहली बार आंकड़ा 3000 के नीचे। चीन में कोरोना से हाहाकार, लोगों पर सामान की डिलीवरी लेने पर भी रोक। वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज खेलने भारत आएगी ऑस्ट्रेलिया टीम। शंघाई में कोरोना केस घटे, लॉकडाउन में सख्ती फिर बढ़ाई गई। ताजमहल में मकबरा या मंदिर, इतिहासकार बोले 22 कमरे का ताला खुलते ही खुल जाएगा राज। मोहाली धमाके में रूस जैसे हथियार का इस्तेमाल, 2016 में सामने आई थी ऐसी ही तस्वीर। शशि थरूर ने उड़ाया द कश्मीरी फाइल्स का मजाक, विवेक अग्निहोत्री बोले सुनंदा पुष्कर की खातिर माफी मांगे। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हमला, FSL टीम जांच में जुटी, CM मान ने DGP से मांगी रिपोर्ट। अगर बाला साहेब होते तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे पर बरसे नवनीत और रवि राणा। संजिंदर भग्गा को हाईकोर्ट से राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दुल्हन पहनाने चली वरमाला, दोस्तों ने दूल्हे को गोद में उठा लिया ऊपर, फिर दुल्हन ने जो किया दोस्तों को आ गई शर्म। भारत में कोविड मौतों से जुड़ी तस्वीरों के लिए फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को फिर पुलित्जर अवार्ड। कुछ ही सालों में एलियन से मिल पाएंगे इंसान, नासा के पूर्व वैज्ञानिक ने किया चौंकाने वाला दावा। कार सवारों पर दिन दहाड़े फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, CCTV में गोली चलाता नजर आया था बदमाश। अनारक्षित सीटों पर CUET स्कोर का उपयोग कर प्रवेश दे सेंट स्टीफंस कॉलेज को DU की सलाह। दिल्ली विश्वविद्यालय में कंपार्टमेंट की ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू। दिल्ली में 1 जून से मिलेगी सस्ती शराब, जानिए केजरीवाल सरकार ने क्या लिया है फैसला। दिल्ली में इस सप्ताह भीषण गर्मी के आसार, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। पत्नी की मौत के बाद भी अलग नहीं रह पाया शख्स, 21 साल तक घर में रखा शव, साथ ही सोता था और करता था बातें। श्रीलंका में हजारों सैनिक तैनात, कर्फ्यू के बीच स्टॉक एक्सचेंज की हुई छुट्टी। मध्य प्रदेश खच्चर डो रहे पानी, जाने गहराता पेयजल संकट, कैसे बन रहा है विवाह में रोड़ा। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी नाराज, हार्दिक पटेल से कर सकते हैं मुलाकात। पूनम ढिल्लो की बेटी हो गई है बड़ी और दिखने लगी है माँ से भी ज्यादा खूबसूरत, लेटेस्ट फोटो देख उड़े फैंस के होश। पंजाब पुलिस पर अब राजस्थान में भी दिल्ली जैसा केस दर्ज, DSP SHO समेत 14 पर किडनैपिंग के आरोप। मोहाली विस्फोट के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, CM भगवत मान के साथ बैठक में पंजाब पुलिस। सोशल मीडिया पर छाया पवित्रा पुनिया और एजाज खान का रोमांटिक अंदाज, लेडी लव को किया किस तो फैंस बोले क्या बात है। संजना गणेशन, जसप्रीत बुमराह, मेरा पति फायर है, बुमराह के कमाल पर वाइफ संजना गणेशन का रिएक्शन वायरल। जवान दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते एक्टर, कई बड़े एक्टर्स ने करवाई है सर्जरी। हिंदी फिल्म मेकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू बोले बॉलीवुड मुझे ऑफर नहीं कर सकता। कहा जाता है कि सैफ अली खान ने कई बार बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाई है, सैफ के लुक्स पर सवाल तब उठे थे जब कई लोग मान रहे थे कि अपने केस को लिफ्ट करवाया है। छूटी बस तो रोडवेज पर चाचा ने किया पंजाबी गाने पर जोरदार डांस, फिर टिकट काउंटर पर मचाया धमाल, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। KP News में आज इतना ही, देखते रहे KP News 24/7। धन्यवाद।